विशेष रूप से सही दिल से धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम की एक विशेषता ये है कि हम लोग समय से शुरुआत कर देते हैं और उसमें आप सबका सहयोग इस ढंग से मिलता है तो हमको प्रेरणा होती है। तो इसके लिए आप लोगों सबके लिए फिर से आभार, और कोशिश करके आपके जितने भी और भी परिचित हैं उनको ये मैसेज जरूर दे दें। तो आए हुए आप सभी परिजनों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। स्माइल मॉर्निंग, स्माइल मॉर्निंग, आपके तरफ से भी प्रत्युत्तर मिलना चाहिए ना, स्माइल मॉर्निंग। ये स्माइल मॉर्निंग इसलिए है कि जब भी आप स्टूडियो में जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए या किसी प्रसंग के अंदर फ़ोटो खिंचवाते हैं तो फोटोग्राफर बोलता है आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आनी चाहिए, जिससे फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी। आप सोचिए, 2 सेकंड की स्माइल आपके चेहरे पे जो आती है वो आपकी फ़ोटो कितनी अच्छी बना देती है, और यही स्माइल आपकी ज़िंदगी में, आपके रोज़मर्रा के अंदर यदि आपके चेहरे के ऊपर हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी कितनी सुंदर बन सकती है। 1 मई को यहीं अग्रसेन भवन के अंदर सुजोग थेरेपी के बारे में हम एक सेमिनार करने जा रहे हैं। सुजोग क्या है, ये एक 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है जो कि कोरियन शब्द है। सु मीन्स हैंड और जोग मतलब पांव, अर्थात हाथ और पांव की अंगुलियों के ऊपर से जो भी उपचार किया जाता है उसे सुजोग पद्धति का उपचार कहते हैं। ये उपचार कई तरीक़ों से किया जाता है, जिसके अंदर की एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, कलर, एक्यूपंचर। इसके अलावा प्रोफेसर पार्क जेवू, जिन्होंने इस पद्धति का इन्वेंशन किया था 1984 के अंदर, उन्होंने करीब 24 पद्धतियों का विकास किया है, और जिसमें मेजर पद्धतियां जो मैंने बताई उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। और आजकल जो है ये ट्रायोरिजिन पद्धति का विकास हुआ है, जिसके अंदर की 4 डायमेंशंस के थ्रू, अर्थात जो आजकल हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसके द्वारा भी ट्रीटमेंट हो रहा है। सुजोग पद्धति के अंदर हम हर तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, अर्थात हमारा हाथ जो है हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, हमारा पांव हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे शरीर में जिस किसी भी वजह से खामी उत्पन्न हुई है उसको एक्यूप्रेशर के द्वारा, अनाज के दाने लगाकर, मैग्नेट लगाकर, कलर लगाकर या सुई लगाकर उपचार किया जाता है। इसका जितना भी मैं अभी विश्लेषण करूँगा कम रहेगा। इस विषय में जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि ब्राउचर्स, 2 तरह के ब्राउचर्स बाहर रखे हैं, एक जिसके अंदर की सुजोग के विषय में काफ़ी जानकारी है, सुजोग थेरेपी क्या है, किस तरह से हम उपचार करते हैं, और दूसरा एक ब्राउचर है जिसके अंदर की अभी हमने एक ऐप लॉन्च किया है, सुजोग ऐप, और इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है। हमारी एक वेबसाइट भी है जिसके अंदर के करीब 60 बीमारियों के अलग अलग इलाज दिए गए हैं, उसका भी, वेबसाइट का भी नाम ब्रोचर के अंदर दिया गया है। ये एक अल्टरनेट थेरेपी ऑफ मेडिसिन है जो कि विश्व के 45 शहरों के अंदर, विश्व में 45 देशों के अंदर इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, और 3 देशों के अंदर इसे मेडिकल साइंस के रूप में भी स्वीकारा गया है। हमें विश्वास है जिस ढंग से हिंदुस्तान के अंदर ये पद्धति बढ़ रही है, लोग इसका आनंद ले रहे हैं और इसके उपचार से ठीक हो रहे हैं, आने वाले थोड़े समय में हिंदुस्तान में भी ये पद्धति एक मेडिकल साइंस के रूप में जानी जाएगी। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान इत्यादि स्टेट्स के अंदर
एक्यूपंचर थेरेपी के हिसाब से इसे प्रस्थापित किया जा चुका है और ये अप्रूव्ड थेरेपी हो चुकी है। कई फिजियोथेरेपी कॉलेज के अंदर भी ऑल्टरनेट थेरेपी का जो स्टडी कोर्स होता है उसके अंदर भी सुजोग थेरेपी को स्थान मिला है। ये थेरेपी एक साइंटिफिक मोड के ऊपर काम करती है, जैसे वीवी करंट होता है तो उसी तरह से अगर कोई भी एनर्जी फ्लो जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, आप सबने महसूस भी किया होगा, आत्मा हमारे जो शरीर के अंदर है वो जब तक शरीर में एनर्जी है, पावर है, तब तक है, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये कहीं भी शरीर के कोई भी अंग में यदि एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें रोग महसूस होता है, हमें कोई चीज़ की तकलीफ महसूस होती है। तो हम उसी वीवी करंट को रेगुलराइज करके इस पद्धति के अंदर काम करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि योर स्माइल शुड बी योर लोगो एंड योर पर्सनैलिटी शुड बी योर बिजनेस कार्ड एंड द वे यू मेक अदर्स फील इज योर ट्रेडमार्क। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू मस्ट थिंक एंड यू मस्ट वर्क दैट स्माइल शुड बी योर लोगो। थैंक यू एंड गुड डे। बहुत ही सुंदर ढंग से भाई साहब ने स्माइलिंग के बारे में बताया, साथ में थेरेपी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी थेरेपी होती है स्माइलिंग। आप दिल से हंसिए, खुल के हंसिए, निश्चित रूप से आधी बीमारियां गायब हो जाएंगी। डिस्ट्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है। और इसी के सिलसिले में एक अनाउंसमेंट और दूँ, अपना नेक्स्ट सेमिनार 3 जुलाई को स्ट्रेस मैनेजमेंट, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इनके ऊपर डॉक्टर मुकुल जी चौकसी का रहेगा 3 जुलाई को। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग अभी से डेट रिजर्व रख रहे हैं, 3 जुलाई डॉक्टर मुकुल चौकसी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिप्रेशन, चिंता तनाव के ऊपर। एक और पुस्तक कैंसर के ऊपर से डॉक्टर मनन मेहता की है, कैंसर से घबराएं क्यों, आगे भी है जिंदगी। जिस किसी को चाहिए ये पुस्तक अवेलेबल है, सुदर्शन मिल में पंकज जी तापड़िया से करें, फ्री में अवेलेबल है। मगर ये बुक जिसको चाहिए उसको वहाँ जाना पड़ेगा, नीचे काउंटर पर डिटेल रखी है। ये पुस्तक जिस किसी भाइयों बहनों को, अपने रिश्तेदार जिसके लिए चाहिए, ये पुस्तक अवेलेबल है। कैंसर से क्यों घबराएं क्यों, आगे भी है जिंदगी, बाय डॉक्टर मनन मेहता, जो अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर है। योग संजोग ऐसा है कि कुछ समय उन्होंने सूरत में भी सर्विसेज दी, उसके बाद उनको वापस अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा, बट वो सूरत बेस्ड ही हैं और सूरत के पेशेंटों के लिए कभी भी ऑलवेज ईमेल और उसके थ्रू अवेलेबल है। वो सब डिटेल भी इसमें मिलेगी। इसके बाद मैं विनय भाई से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर गिरीश जी शाह जो आज अपने सेमिनार के वक्ता हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में परिचय दें। भाई और बहनों, मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज एक नए ऊर्जा भरे दिन और नए दिन में सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि संडे के दिन आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल के आए। लेकिन यहाँ आने से एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि सिर्फ आप स्वयं के लिए नहीं, ये चीज़ आपके मित्रों, परिवार वालों सबके लिए बड़ी लाभदायक है। मैंने एक चीज़ देखी है, हमने 10-12 सेमिनार कर लिए है, 14th है ये, हर सेमिनार में कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो अपने सीख के जाते हैं और जो भविष्य में अपने लिए एप्लीकेबल होती है, कोई स्टेज पे भी वो अपने को काम आती है। पिछले सेमिनार में जो डॉक्टर धर्मेश कपूर, लिवर फिजिशियन और ट्रांसप्लांट फिजिशियन जो इंडिया के, जो उन्होंने किया, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन में एक क्वेश्चन आया कि कोल्ड बिवरेज का अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। वो आंसर जो उन्होंने दिया वो बिल्कुल जम गया। मतलब उसके बाद मैंने देखा कि कोल्ड ड्रिंक के बारे में जो पूरी सोच थी वो बदल गई। मैं समझता हूं कि जो भी उस सेमिनार में आया होगा उसके बाद उसकी सोच कोल्ड ड्रिंक के बारे में जरूर चेंज हो गई होगी। इनफैक्ट मैंने तो वो जो पूरी बात थी वो लिखकर नोटरी अटेस्टेड कर ली। हमारे नवनीत भाई तो बड़े टेक्निकल आदमी हैं, बोले कि कितने रुपए के स्टैम्प पेपर में की है। मैंने कहा 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में। बोले वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको 100 रुपए में करो। तो मैं बोला मंगा दो 100 रुपए। उसने 100 स्टैम्प पेपर मंगवा दिए। तो 100 स्टैम्प पेपर में हमने वो नोटरी अटेस्टेड करके 100 लोगों को बांट दिया कि आप भी इसको बांटते जाओ। आज अग्रवाल,
अग्रवाल समाज ट्रस्ट और जीवन आदर्श समिति से आयोजित जो प्रोग्राम है, इसमें मैं खास करके मोहन भाई गुप्ता, अनिल भाई गुप्ता, कैलाश जी, श्याम भाई, सभी जो इसके ट्रस्टीज है, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। ये प्रोग्राम उनके सपोर्ट से ही हम कर पा रहे हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी। श्रीकांत जी मुंद्रा जो आज मुझे बोल रहे थे कि मैं बहुत बिजी हूँ आज, मैं बोला किस चीज़ में बिजी हो, बोले अगले सेमिनार की तैयारी में। मतलब वो कोहली ने 92 मारे तो बोले अभी क्या, बोले अगले मैच में 100 की तैयारी है। तो ये हमारे विराट कोहली है। मेरी स्ट्रेंथ विनय भाई और निर्मलेश भाई साहब है, और साथ में अतुल और पूरी टीम तो है ही है। तीसरा हमारे जो अतुल है वो हमारी बैक ऑफिस है, जो प्रिंटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉजिस्टिक है, तो वो पूरा वो संभालते हैं। और बाकी की जो हमारी जो नीचे की टीम है उसके कारण ही ये इतनी इस तरीके से कंडक्ट हो पाता है। अब मैं संक्षिप्त में कुछ डॉक्टर साहब के बारे में कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब सूरत के एक सीनियर मोस्ट और ओल्डेस्ट प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट है। इनके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम। कुछ बातें मैं इनकी आपसे शेयर करता हूँ। आप का जन्म 26 फरवरी 1952 में हुआ और आप 1979 मतलब 37 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुजरात के ऑनररी स्किन स्पेशलिस्ट है और आप सूरत ब्रांच के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, IADBL के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल मेंबर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सूरत मेडिकल कंसल्टेंट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एड्स के काउंसिल मेंबर ऑनररी जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं और साइंटिफिक कमेटी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट सेक्रेटरी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी बुक्स भी पब्लिश की है। ये को ऑथर और एडिटर रह चुके हैं एड्स के बारे में, बुक के बारे में, लेप्रेसी के बारे में भी इन्होंने बुकलेट लिखी है, एड्स के बारे में भी बुक लिखी है, स्लाइडें बनाई है, कॉटरडाम के ये एडिटर रह चुके हैं, ये SVDT बॉम्बे यूनिवर्सिटी के एडॉक बोर्ड में है, VNSEGU के सिलेबस कमेटी में है और उसके सेनेट मेंबर है। ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी रह चुके हैं, भारत कैंसर हॉस्पिटल, प्रयोसा प्रतिष्ठा, छायडो, स्वामीनारायण मानव सेवा ट्रस्ट, गुजरात वनवासी, SG मेडिकल एडुकेशन, और ये मैनेजिंग कमेटी मेंबर रह चुके हैं SMIMER एग्जीक्यूटिव कमेटी के, तापी ब्रह्मचारी आश्रम, जीवन भारती मंडल, SG चेंबर ऑफ कॉमर्स, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, और सोशल सर्विस में इन्होंने 500 से ऊपर डायग्नोस्टिक कैंप किए हैं और लायंस के भी प्रोग्राम किए हैं और भी। ये तो संक्षिप्त में आपने बताया, मैं जितना इनके बारे में बोलूँ उतना कम। आज हम बहुत प्रिविलेज्ड है कि इन्होंने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया और अपने बीच में है और आज के मुख्य स्पीकर के रूप में। अब लास्ट में मैं दो बातें आपसे संक्षिप्त में शेयर करना चाहूँगा कि एक बात ये है कि अपनी स्किन कैसी रहे, ये बेसिकली तीन बात पे डिपेंड करती है कि भाई अपने क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं और अपनी लाइफ में व्यायाम है या नहीं है। ये तीन फैक्टर तो रूटीन वाले है ही, लेकिन मैं इसमें एक चौथा फैक्टर ऐड करना चाहूँगा। जैसे आजकल अपने पिक्चर देखने जाते हैं तो बोला 4D मूवी देखने जाओ, तो ऐसे इसमें भी एक चौथा फैक्टर है। मैं पीछे एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था हाउ फुल इज योर बकेट, आपकी बाल्टी कितनी भरी हुई है। ये टॉम रैथ एक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर ऑथर है, उसकी बुक में टॉम रैथ बोलता है कि आपकी बाल्टी का भरना आपके ऊपर नहीं है। आप अपनी बाल्टी भरना चाहते हो तो दूसरों की बाल्टी भरो, आपकी बाल्टी स्वयं भर जाएगी। अब एक दिन निर्मलेश जी का फोन आया, फैक्ट्री से निकल रहे हो तो 200-200 किलो के दो ड्रम ले आना। मैं बोला भाई 200 किलो ड्रम के क्या करोगे, बोला दूसरों को इतना बांट दिया कि बाल्टी में अब समाया नहीं जाता, अपने को तो ड्रम चाहिए। बोला उसी बुक में दूसरी बात जो ऑथर शेयर करता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। USA के एक कॉन्वेंट में बहुत एक बड़ा सैंपल लिया गया जहां 2000 नंस की स्टडी हुई।
1000 नंस ऐसी पकड़ी गई जो जीवन में बहुत खुश थी, दे वर वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ, वो अपने काम से बड़ी खुश थी, जीवन से खुश थी और एब्सोल्युटली पॉजिटिव थी, और 1000 नन ऐसी थी जो बिल्कुल अपने जॉब से डिस्ट्रेस थी, नाखुश थी, जीवन में निराशा थी। उनको लंबे टाइम तक 40-50 साल तक स्टडी किया गया तो पता चला है कि जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव थॉट वाली नंस थी वो 11 साल ज्यादा उन्होंने जीवन जी, उनकी एवरेज लाइफ 11 साल ज्यादा थी। अब सिगरेट पीने से, 10 सिगरेट पीने से साइंटिफिक स्टडी ये है कि आपकी 7.5 साल लाइफ कम होती है। तो एक इतने बड़ा नेगेटिव फैक्टर से आपके 7.5 कम होती है और आप सिर्फ अपनी सोच बदल दो तो 11 प्लस होती है। तो वो समझो कि वो सोच और पॉजिटिविटी वही ही चौथा डी है जो आपके सिस्टम को चेंज कर सकता है। तो जैसे उन्होंने बताया, ऑलवेज कीपिंग कीप स्माइलिंग, स्माइल को अपना लोगो बना लो, तो वो चौथा डी है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ह्यूमन बॉडी इज एन अनबिलीवेबल प्रोडक्ट ऑफ गॉड, एक अद्भुत चीज है। जब भी अपने शरीर में कष्ट होता है तो वो कष्ट टेम्परेचर के रूप में, पेन के रूप में अपने को सिग्नल देता है। वैसे ही स्किन भी अपनी एक एक्सप्रेशन का एक माध्यम है। स्किन की प्रॉब्लम दो टाइप की होती है, एक उसकी अपनी प्रॉब्लम, लेकिन एक इंटरनल ऑर्गन या कोई चीज के कारण भी वो एक्सप्रेस करती है, जो आपको डॉक्टर साहब ये बताएंगे। तो यही दो चीज मैं आपको शेयर करना चाहता था और आगे मैं श्रीकांत जी को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं श्याम भाई गुप्ता और कैलाश जी जैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर गिरीश चाय का पुष्प से सम्मान करें। जो हमारा एक है बुक के रूप में, बस इनकी विनय भाई रेमलेजिस करूंगा कि एक मोमेंटो से हम लोग सम्मान करके बस आपका इस। जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद एवं अग्रवाल विकास ट्रस्ट के द्वारा ये मेडिकल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि शहर के अंदर जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो विभिन्न बीमारियों के बारे में आपको जानकारी दें, आप उन्हें ठीक से समझें। आपके परिवार में यदि कोई बीमार है, आपके संबंध में कोई बीमार है, उनको सही तरीके से गाइड किया जा सके। शहर में उपलब्ध जितनी भी हेल्थ केयर की सुविधाएं हैं उसकी जानकारी हमें हो। परिवार में जब भी कोई क्रॉनिकल बीमारी आ जाए तो उसे हम घबराएं नहीं, बल्कि समझदारी से ठीक से उसका उपाय करें। ये एकमात्र हमारा उद्देश्य इस तरह के सेमिनार करने का है। और इस सेमिनार की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय केवल आप सभी भाई बहनों को है कि हमारे आमंत्रण पर, निमंत्रण पर आप इतने प्रेम से, इतने सम्मान से यहां पर आते हैं। भाई और बहनों, पिछली 25 तारीख को डॉक्टर बीएम हेगड़े कर्नाटक से यहां पर आए थे। वो करीब 22 देशों के बाहर मेडिकल अलग अलग कॉलेज के अंदर कंसल्टेंट हैं, यूनिवर्सिटीज में कंसल्टेंट हैं, भारत की विभिन्न कॉलेजों के अंदर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 80 वर्ष से ज्यादा की उनकी उम्र, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में और खासकर जो ये डॉक्टर्स की जो जितनी भी सेवाएं हैं उनके बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से अनुरोध किया कि यदि बहुत अच्छे संगठन यदि आगे नहीं आएंगे तो ये मेडिकल प्रोफेशन बहुत ज्यादा हमारा भला नहीं कर पाएगा। उनका एक सीधा सीधा इशारा ये था कि शहर के अंदर इस तरह के होलिस्टिक सेंटर बने कि एमडी लेवल के लोग, एमडी लेवल के डॉक्टर जब भी उनके पास कोई मरीज आए वो फीस अच्छे से लेवे मगर दवा लिखने की कोशिश न करे। कम से कम पहले 60 दिन केवल ये बताया जाए कि आपको इस बीमारी का कारण क्या है और आप निश्चित रूप से बिना दवा लिए ठीक हो सकते हैं, ये कंसल्टेंसी डॉक्टर करें। और यदि 60 दिन बाद भी यदि बीमारी काबू में नहीं आती है, इलाज नहीं हो पाता है, तो वो मिनिमम दवाई से शुरू करें, उससे वो इलाज हो। और जिस तरीके से उन्होंने ये बात कही है, हमने इसके ऊपर मंथन शुरू कर दिया है, विचार शुरू कर दिया है, डॉक्टरों से विचार करना शुरू कर दिया है कि इस तरह के होलिस्टिक सेंटर किस तरह से चालू किए जाएं।
तो इस तरह की जब भी कोई अन्य जानकारी हमारी उसमें नॉलेज में आएगी आपको बताएंगे। और उनका 2-2.5 घंटे का लेक्चर, उसकी ऑडियो सीडी है, वीडियो सीडी है। कभी किसी दिन इसी तरह के मौके पर केवल उनका लेक्चर सुनने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। इसके लिए आप सभी को पूर्व सूचना दी जाएगी। डॉक्टर गिरीश शाह, मैंने उनकी सेवाओं का लाभ लिया है। जब उनका महिदरपुरा के सामने जब उनका ऑफिस था तो डॉक्टर नितिन व्यास के रेफरेंस से मैं उनके पास गया था। बहुत अच्छी सेवाएं मैंने उनसे प्राप्त की। मुझे डायबिटीज की वजह से पैरों में थोड़ा इरिटेशन था, मैं दूसरी एक दो जगह जाकर के परेशान था। फिर डॉक्टर साहब की सेवा में मैं गया तो उन्होंने कहा कि केवल आप हाइड्रेट लगाइए, किसी भी तरह के साबुन और शैंपू के झाग से बचिए, ये सबसे खतरनाक केमिकल होते हैं। तो 2-2.5 महीने की उस उपचार के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। तो ये केवल एक अनुभव की बात है कि किस तरह से आपको ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब महामहिम राज्यपाल के मानद चिकित्सक रहे हैं और इस क्षेत्र के अंदर उनकी लंबी सेवाएं रही हैं। मैं डॉक्टर गिरीश शाह को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ और आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि बहुत शांतिपूर्वक डॉक्टर साहब को सुने। डॉक्टर गिरीश शाह, डॉक्टर गिरीश शाह आए इससे पहले हमारे जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद के मार्गदर्शक और जिनका आशीर्वाद और स्नेह हमारे ऊपर था, ऐसे माननीय श्री दादा किशन जी अग्रवाल का पिछले 15-20 दिन पहले उनका देहांत हो गया था। उनकी स्मृति में, उनकी दिव्य आत्मा की शांति के लिए केवल 1 मिनट का मौन आप खड़े होकर के रखें, ऐसा मेरा आग्रह है। ओम शांति शांति शांति। माननीय श्री डॉक्टर गिरीश शाह जी, और आप सभी से एक विशेष निवेदन यह कि अपने मोबाइल कृपया साइलेंट मोड पर रखें। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज ये कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। इस प्रकार का कार्यक्रम की आयोजन करना और इतनी बड़ी संख्या में लोग हाजिर रहे इसका भी आयोजन करना, वो दाद देने वाली बात है। मैं जीवन आदर्श एवं उत्कर्ष परिषद, अग्रवाल विकास ट्रस्ट दोनों को धन्यवाद देता हूँ, और ख़ास करके अनिल जी गुप्ता, अग्रवाल विकास ट्रस्ट, मोहन जी गुप्ता और श्रीकांत जी, विजय जी, निर्मलेश जी और अतुल जी को भी अभिनंदन देता हूँ। हमारे शरीर को बाह्य परिबलों से रक्षा करता है, वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, वो फंगाई हो, वो केमिकल हो, और इस तरह से हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है। अब स्किन के बारे में बातचीत करते जाए तो दिनों कम हो, यहाँ हम हर एक इसके पार्ट की बात करते जाएंगे और इसके साथ इससे होने वाली इन्फेक्शन प्रॉब्लम की बात करेंगे और किस तरह से रहे तो वो होने की संभावना बहुत कम हो जाए। हम मानते हैं कि फेफड़े, लीवर, हार्ट वो सब इम्पोर्टेंट है, चमड़ी का तो मूल्य बहुत कम है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमें लीवर फेल्योर हो सकता है, रीनल फेल्योर हो सकता है, कार्डियक फेल्योर हो सकता है, लंग फेल्योर हो सकता है, इसी तरह स्किन में भी डैमेज होने से ऐसी परिस्थिति उद्भव होती है जिससे जीवन समाप्त होने की संभावना रहती है। वो किस तरह, ये लेक्चर में आपको समझाएंगे। शरीर की रचना, त्वचा की रचना, त्वचा की एवरेज थिकनेस 1 मिलीमीटर है और 1 मिलीमीटर का ये सेक्शन हमने माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखा है, यानी ये बहुत बड़ा दिखाई देता है लेकिन 1 मिलीमीटर है। यहाँ मेडिकल टर्म जाएंगे, लेकिन ऊपर का जो छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है जिसे हमारी भाषा में इपिडर्मिस कहते हैं, उसमें
ऊपर के हिस्से में डेड सेल्स है, नीचे बेजल सेल लेयर है। दोस्तों, ईश्वर की रचना के बारे में सोचो, सिर्फ इतने ही हिस्से में शरीर में 300 मिलियन कोश आए हुए हैं, 30 करोड़ कोश आए हुए हैं, और हमेशा सतत परिवर्तन होता जाता है। हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे शर्ट ले आए, कपड़े ले आए, 6 महीना 12 महीना चला और वो घिस जाते हैं, बदलते हैं। तो हमने कभी सोचा है कि हमारे शरीर की चमड़ी को भी घिसा होगा, वो भी बदलनी पड़ेगी? नहीं, ईश्वर ने रचना की है, इससे बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। बेसल सेल लेयर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये लेयर जो है इसे बेसल सेल लेयर कहते हैं। इसमें से डिवीजन होता ही जाता है, नए कोश बनते जाते हैं, ऊपर जाता रहता है, तो शरीर की चमड़ी बदलती रहती है जो हमें पता नहीं चलता है। घर्षण, कपड़े बदले, सो गए, सभी जगह पे फ्रिक्शन होगा, हर एक फ्रिक्शन के साथ चमड़ी बनती रहती है। हम जस्ट हाथ ऐसा करें, हाथ हरे शरीर पे मत, तो भी अमुक कोश निकल जाते हैं। हर मिनट पे 20,000 से 30,000 डेड सेल चमड़ी के ऊपर से निकल जाते हैं, और इसी वजह से हमें हमेशा चमड़ी ताज़ा तरोज लगती है। हम अपने कपड़े के बारे में देखें, 6 महीने में कपड़े पुराने हो जाते हैं, ऐसा चमड़ी के बारे में नहीं होता है। नीचे जो चमड़ी बनी वो ऊपर तक आने में 30 दिन एवरेज लगते हैं, 4 हफ्ते से 5 हफ्ते, और इतने में नया कोश ऊपर आके शरीर से निकल जाता है। चमड़ी का कर्तव्य रक्षण करना, और रक्षण के लिए ये डेड सेल शरीर में कोई चीज आने नहीं देता है, शरीर में इन्फेक्शन प्रॉब्लम नहीं होने देता है। जैसे जैसे चमड़ी ऊपर की ओर जाती है सेल्स, वैसे वैसे वे फ्लैट होते जाते हैं, निर्जीव होते हैं, इसमें केराटिन नाम का पदार्थ बनता है। हमने यहाँ जिस तरह टाइल्स रखी है, इसी तरह शरीर के ऊपर के हिस्से में, बिल्कुल ऊपर के हिस्से में चमड़ी फ्लैट टाइल्स की तरह एक दूसरे से जुड़ी जाती है। अब हमने जो बेसल सेल लेयर की बात की, इसमें से कोश बनते हैं, इसके अलावा इसके साथ एक अलग कोश है, इसे मेलेनोसाइट्स कहते हैं, रंग बनाने वाले कोश। इसका कर्तव्य शरीर को रंग देना। हम गोरे हैं, काले हैं, गेहूं वर्ण का है, वो सब ये रंग बनाने वाले कोश कितना काम करते हैं इसके ऊपर अवलंबित है। और सामान्य तौर पे ये सब जीनेटिकली आनुवंशिक रहते हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर अमुक हद तक ये कलर पे असर करता है। बाहर का एटमॉस्फेयर, यूवी रेज चमड़ी पे पड़े, मेलेनोसाइट्स को ज़्यादा काम करवाएगा। आदमी कहाँ काम करता है, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में काम करता है, इसके अनुसार, उसके हॉर्मोन्स के अनुसार, इसके खान पान के अनुसार अमुक हद तक कलर पे असर होता है। टैनिंग, आपने कई जगह फोटो देखे होंगे कि बाहर यूरोप में, अमेरिका में लोग टैनिंग, चमड़ी ताम्रवर्ण करने के लिए बैठते हैं। दोस्तों, यहाँ चप्पल पहनी हुई है, जो जो भाग खुला रहा चप्पल से ढका, वो भाग ओरिजिनल स्किन रहा, बाकी की चमड़ी धूप से डैमेज हुई। इसका संदेश एक होता है कि हो सके तब तक धूप में शरीर जितना ढक सको इतना ढकने का। हमारे पास कई दफ़ा दादाजी, दादी, माँ बाप बच्चे को लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब, पैदा हुआ तब तो बिल्कुल सफ़ेद था, वाइट था, अब उसका कलर बदल चुका है। दोस्तों, एनवायरनमेंट हम पे हमेशा असर करता है, और एनवायरनमेंट की वजह से मेलेनोसाइट्स यानी रंग कोश थोड़ा ज़्यादा काम करता है, रंग में परिवर्तन होता है। ज़्यादा धूप में जाना हो, कड़ी धूप में जाना हो, तो उसको से प्रोटेक्ट करने का प्रयत्न करने का, वाटर पार्क में जाने का बहुत अच्छा लगता है। ये गर्मी के सीज़न शुरू हुई, वाटर पार्क में जाके 3-4 घंटे आराम से आनंद किया,
शाम को कई लोगों को जो गए होंगे इसमें पता होगा कि कई लोगों को पीठ पे जलन शुरू होता है। वाटर पार्क में हमें पता नहीं होता है, सूरज की किरण इसके साथ आई हुई अल्ट्रावायलेट रेस चमड़ी में दाह पैदा करता है, जल जाती है और इसकी वजह से इस प्रकार की तकलीफ होती है। अब जब भी स्विमिंग पूल में जाना हो तब छबाछब वाटर पार्क में जाना हो तब अच्छी प्रकार के सनस्क्रीन लगाने की आवश्यकता रहती है। सनस्क्रीन के बारे में आपको दो तीन चीज बात बताना मुझे जरूरी लगता है। हम जो भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें इसका जरूरत के अनुसार जरूरत की मात्रा में इस्तेमाल करें। एक दफा में मुंह के लिए वन फिंगर टिप, हमारी ऊपर की जो टिप है इतना सनस्क्रीन की आवश्यकता रहती है। धूप में जाने से 20 मिनट पहले उसको लगाने का है, वो मुंह पे लगा के स्लाइट मसाज कर देने का। हर एक सनस्क्रीन की एक अवधि होती है, एक लाइफ होती है। सामान्य तौर पे 2 से 3 घंटा तक वो प्रोटेक्शन देती है। सुबह में सनस्क्रीन लगाया शाम तक चले ऐसा होने वाला नहीं है। तो ज़्यादा समय धूप में रहना हो तो 2-3 घंटे इसकी अवधि के बाद रहना हो तो वो वापस लगाने की आवश्यकता पड़ती है। बीच में पसीना हुआ मुंह धो दिया तो वो सनस्क्रीन निकल जाता है तो भी वापस लगाने की ज़रूरत होती है। यदि शरीर खुला हो तो मुंह के लिए 1 फिंगर टिप, 2 हाथ के लिए 1 फिंगर टिप, हर एक पैर के लिए 1-1 फिंगर टिप, आगे के हिस्से और पीछे के हिस्से के लिए 2-2 फिंगर टिप, यानी पूरा शरीर आपको कवर करना हो तो 8-9 फिंगर टिप, यानी कि 3.5 ml ईच में यूज होता है। इससे कम करें तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। हम 10 रोटी बनाएं और 10 आदमी को खाने पे बुलाएं तो नहीं चले। इस तरह इनएडिक्वेट अमाउंट, ज़रूरत से कम इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमने मेलेनोसाइट्स रंग कण बनाने वाले कोश की बात की। ये कोश रंग बना के इसके सराउंडिंग हर एक कोश में रंग देता है और वो रंग धीरे धीरे जिस तरह डेड सेल ऊपर जाते इस तरह शरीर के उपले लेयर में चले जाते हैं और बाद में निकल जाते हैं। यहाँ कोश बने, धीरे धीरे ऊपर की ओर गए और ऊपर शरीर से निकल गए चमड़ी से। ये पूरी प्रक्रिया 30 दिन की जनरली होती है। ये जो रंग है वो सभी में जाते हैं। अब इसका एक फायदा इस तरह लिया जाता है, पिलिंग की ओर से चमड़ी का एक चंक चमड़ी से दूर किया जाए। सपोज इतनी चमड़ी दूर की जाए इतने लेयर्स, तो वो हिस्सा दूसरे हिस्से से लाइट लगेगा, वो हिस्सा दूसरे हिस्से से ज़्यादा गोरा लगेगा। तो पीलिंग की जो प्रोसेस है इसमें वही सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। हमारी दादी माँ भी हमें पीलिंग सिखाती थी। चनोटी का लोट, नींबू और बेसन, दही और बेसन, ये जो सब लगाते थे वो एक प्रकार का पीलिंग था। अब मॉडर्न डेज में पीलिंग अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। ग्लाइकोल पील जो आता है वो गन्ने के रस से बनता है। इसका पीएच डिफरेंस होने से चमड़ी के लेयर को वो डिस्ट्रॉय करता है और अमुक हद तक के लेयर निकल जाते हैं। ये लेयर निकलने से रंग गोरा दिखाई दे, ग्लो दिखाई दे क्योंकि नए कोश आएंगे और टाइटनिंग दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों ये हमेशा के लिए नहीं है, लगाया तब तक का है। थोड़े दिन में नए कोश बन गए, वापस पहले जैसा हो गया। इसलिए ये सभी प्रोसीजर बार बार करने की आवश्यकता रहती है। अकॉर्डिंग टू बॉडी, शरीर के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार वो वापस रिपीट करना होता है।
हम देखें इससे क्या क्या फर्क पड़ता है। मेरे साथ बैठे हुए कई दोस्तों सावन भादो देखा होगा, तब रेखा को देखा होगा, अभी रेखा को देखा होगा, कलर में बहुत सारा परिवर्तन। ये परिवर्तन आधुनिक डब से किया गया पिलिंग या लेसर से होता है। वही चीज हम काजोल को दोनों फिल्टर में कंपेयर करके देख सकते हैं। ये सब प्रोसेस यदि हम सेलिब्रिटी ना है तो अमोखे किस्से के लिए रिजर्व रखना। शादी है घर में, लड़का लड़की देखने वाला है या कोई फंक्शन में जाना है, तब इसका इस्तेमाल करें, बार बार हो सके तब तक नहीं करें। अब शरीर में रंग कोश जो हमने बात की काम करता है, वो रंग कोश अलग अलग चीज़ों से एक्साइट होकर ज़्यादा काम करता है। केमिकल्स ईजा होना, बंस होना, वो सब कंडीशन में भी ये ज़्यादा काम करता है। ये यहाँ बिंदी की वजह से ये परिवर्तन हुआ है। बिंदी में एक प्रकार का गम आता है और कलर में कई दफ़ा मेटल इस्तेमाल होती है। दोनों चीज़ें इरिटेशन कर सकते हैं और ये इरिटेशन आइदर मेलेनोसाइट्स यानी रंग कोश को ज़्यादा काम करवाता है या काम करना बंद करवा देता है। ऐसी परिस्थिति में वो जो भी गम स्टीक बिंदी लगाते हो वो बंद कर देना। इसकी जगह अच्छी एक लिपस्टिक सिलेक्ट करना और जहाँ धब्बा पूरा है इसके ऊपर वो बिंदी का इस्तेमाल करना। इसे मेलेस्मा कहते हैं। प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मासिक बंद होना या मासिक की गोली लेना, इससे इस प्रकार की पिगमेंटरी चेंजेस होती है। दोस्तों चाचा के ससुराल में शादी है तो हम मासिक लंबाने की गोली लेंगे, हमें सिंगापुर घूमने जाना है तो मासिक लंबाने की गोली लेंगे, बहन की ननद के बेटे की शादी है या घर प्रवेश है तो हम मासिक लंबाने की गोली लेंगे। ये सब चीज़ें हमारे शरीर पे आड़ असर करती हैं। ईश्वर ने जो चक्र दिया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो बहुत सारे हॉर्मोन्स की मदद से चलते हैं, इसको में हम रुकावट डालते हैं और इससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। हो सके तब तक मासिक लंबाने की दवा नहीं लेनी। पहले के जन्म आज से 50 साल पहले घर में शादी होती थी, कौन लेते थे गोली? कोई नहीं लेता था। दोस्तों शादी हो और वधु और वर राजा के माता पिता ना हो तो भी शादी होती है, तो हमारे चाचा, हमारे मामा, हमारे मौसी के वहाँ कोई प्रसंग है, इसके लिए क्यों मेंस्ट्रुएशन को डिस्टर्ब करें ऐसी गोली लें? और अति आवश्यक हो, लेने की ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को पूछ के उसका पूरा कोर्स लेने, थोड़ा लेके छूट नहीं देने का। यही वही चीज है मेलास्मा किस तरह दिखाई देता है। तीसरी भी वही चीज है, तो इस प्रकार हो जाए तो एक सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करना। चर्म रोग में खान पीन का बहुत बड़ा महत्व है, जितना बराबर खाओगे इतना शरीर बराबर आपको जवाब देगा। जंक फूड हो सके इतना कम। कई दफ़ा मैं मेरे पेशेंट से बात करता हूँ और जंक फूड की बात आई, थोड़ा सा विषय से हट के बात कर लेता हूँ। हमारे यंग दोस्त खाने जाते हैं, वो अच्छी रेकड़ी है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। आपने कभी सोचा है कितने भी वहाँ खड़ी रहती है, 8 घंटा 10 घंटा? कितने आदमी काम करते हैं? 4 आदमी 5 आदमी। कितना पानी लेके आते हैं? 2 बकेट। 5 आदमी या 4 आदमी 8 घंटा काम करेंगे, पेशाब जाना, टॉयलेट जाना, वो सब प्रक्रिया कुदरती है। वहाँ से जाके आने के बाद हाथ धोना पड़े, नाखून तो वो लोग लंबे रखते हैं। टॉयलेट जाके आए, ज़्यादा पानी से साफ नहीं किया तो नाखून में क्या रहेगा?
आपको डिश के साथ विस्टा फ्री में मिलती है। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि हो सके तब तक जहां अच्छी आउटलेट इनलेट हो वहां का खाना पसंद करना। तो गुड एंटीऑक्सीडेंट्स, शरीर को प्रतिकारक शक्ति बढ़ाए ऐसा खुराक, बादाम एक आध अखरोट, 250-300 ग्राम मलाई निकाला हुआ दूध दिया दही, एक फल जिसमें फाइबर अच्छे हो, स्प्राउटेड मुगमट और पानी यानी कि लिक्विड। मेरे वहाँ कहीं पेशेंट फरियाद करते हैं उनकी माँ कि मेरा बेटा बेटी कोई सुनता नहीं है, 4 ग्लास पानी पीता है, 5 ग्लास पानी पीता है। आप इसके साथ बैठो और पूछो, मैं उनसे बात करता हूँ कि 4 ग्लास पीना पीने पीना है, ठीक है 4 ही ग्लास पियो, लेकिन 3 ग्लास छाछ तो पी सकोगे, हाँ 2 ग्लास नारियल पानी चलेगा, चलेगा, खाते वक्त एक टोमेटो जूस चलेगा, चलेगा, एक आध ग्लास नींबू पानी चलेगा, और ऐसे करके 12-13-14 ग्लास डिफरेंट, उनको जो अच्छा लगे वो, हम अपनी मर्जी इसके ऊपर मत थोप दो, जो अच्छा लगे वो देने का है, लेकिन इतना प्रवाही जाना चाहिए। ये भी वही चीज है, उनको आप सब जानते हैं, माइकल जैक्सन। दुनिया में केमिकल्स का, दवाओं का सबसे ज्यादा किसी ने उपयोग किया है, किया हो, और सबसे ज्यादा इसकी जो कीमत चुकी हो वो माइकल जैक्सन है। जात पात के कलर केमिकल्स लगाते गए, इससे उनको विटिलिगो हुआ। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी विटिलिगो है। विटिलिगो यानी रंग कोष बनाने वाले कोष, रंग बनाने वाले कोष, कम काम करना और धीरे धीरे बंद करना। जी सीरिया में रंग कोष काम न करे, ई सीरिया में रंग की उणप होगी और इससे सफेद दाग दिखाई देंगे। ये सफेद दाग बहुत सारे किस्से में जेनेटिकली होते हैं, अनुवांशिक होते हैं, बहुत सारे किस्से में स्पर्श की वजह से होते हैं, केमिकल्स की वजह से होते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर से होता है, विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी से होता है। हमने पहले भी बात की कि बैलेंस डाइट, तो डेफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी और केमिकल से हो सके इतना दूर रहना। ये भी सेम थिंग विटिलिगो, सफेद दाग। ये इस प्रकार की तकलीफ केमिकल के साथ काम करने से हुई है। नए जूते, नए स्लीपर, चमड़ा पकाने के लिए और स्लीपर में एक प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल होता है, यदि वो रह जाए तो जो संपर्क में चमड़ी आती है वो भागते रंग कण को काम करने नहीं देता है और वहाँ सफ़ेद दाग बन जाते हैं। तो जो भी चप्पल, शूज, पगरखा आप सिलेक्ट करो, हो सके वो अच्छी क्वालिटी का। हमने आपको बताया कि मेलेनोसाइट्स ईजा की वजह से ज़्यादा काम करता है या नहीं करता है, यहाँ हम देख सकते हैं काम करना बंद कर दिया। बिंदी विटी लोगों, इसमें भी हमने जो आपको पहले कहा, इस तरह अच्छी लिपस्टिक लेके ऊपर करने का, ये केमिकल से हुआ है, ये अच्छा होने की संभावना बहुत बड़ी है। इसका बहुत बड़ा नाम है इडियोपैथिक गटेटा हाइपोमेलेनोसिस, लेकिन कुछ नहीं है। बहुत सारे 50 साल के बाद के एज वाले मेरे वहाँ और हमारे सभी कलीग के वहाँ ये टेंशन लेके जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखो नहीं, सफ़ेद दाग नहीं हुए हैं। दोस्तों, ये सफ़ेद दाग नहीं है, ये जो तकलीफ है वो रंग कण बनाने वाले कोष काम करना बंद कर देते हैं इसकी वजह से। हम 10 साल की उम्र में जितने बाल थे वो 30 साल में नहीं है, 30 साल में जो थे वो 50 साल में नहीं है, वो 70 साल में नहीं होंगे। शरीर के कोष अमुक उम्र के बाद काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है और इसकी वजह से उसकी गैरहाजिरी होती है,
वही चीज रंग कण बनाने वाले कोश में भी होती है। तो जो कोश काम करना बंद कर दे उसके आजू बाजू में जो रंग का सप्लाई होता है वो बंद हो जाता है और इसकी वजह से इसका पिन की टॉप टांकने की टॉप जितना धब्बे निकल आते हैं। 50 साल की उम्र के 10 बुजुर्ग को देखोगे तो 3-4 को ऐसा मिलेगा, 70 साल में 10 में से 7 को मिलेगा। ये सफेद दाग नहीं है, इसके बारे में टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। हमारा शरीर का एक बड़ा कर्तव्य विटामिन डी बनाना। हम छोटे थे तब स्कूल में पढ़ते थे कि अल्ट्रावायलेट रेस की हाजिरी में चमड़ी विटामिन डी बनाती है। 70-80 साल के जो जो बैठे हैं वो सभी मुझसे सहमत हो गए कि हमारी दादी माँ या नानी माँ हमें मालिश करती थी ठंडी के मौसम में और धूप में बिठाती थी, और वो धूप की वजह से वो 20-30 दिन में बैठने से पूरी साल का विटामिन डी मिल जाता था। हमारे बुजुर्ग बहुत होशियार थे। हमने सूर्य पूजा करने का शुरू क्यों किया? सूरज तक हम पानी नहीं भेज सकते थे, लेकिन सूरज हमें विटामिन डी देता है वो हमारे बुजुर्ग को पता था, या उनको पता था कि शरीर में अमुक खामी धूप से दूर रहने से होती है। तो उन्होंने ये समझाने से कोई समझेगा नहीं तो धर्म के साथ जोड़ दिया कि स्नान के बाद 10 मिनट सूर्य को अर्घ देना या तुलसी क्यारे में पानी देना। स्नान के बाद कम कपड़े पहने हुए होते हैं, तुलसी क्यारा या भगवान सूर्य को हम पानी अर्घ देते हैं तो शरीर पे धूप लगती है, विटामिन डी बन जाता है, डेफिशिएंसी नहीं रहती है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ बैठे हुए सभी में से जांच की जाए तो कम से कम 20% का विटामिन डी कम निकलेगा। मेरे साथ आप सभी सोचो कि हमने सूरज लास्ट कब देखा? 1 महीना 2 महीना 6 महीना? तारे कब देखे? 1 साल 2 साल? तो हम नेचर से अलग हो रहे हैं, कुदरत से अलग हो रहे हैं और इसकी कीमत बीत चुका रहे। हमने ये एपिडर्मिस देखा, अब नीचे का भाग जिससे डर्मिस करते हैं, ये डर्मिस के अंदर पसीना की ग्रंथि है, डर्मिस के अंदर बाल है, हेयर केश, उसके साथ स्वेट ग्लैंड है, ऑयली ग्रंथि है, इसमें खून की नलियां हैं, अशुद्ध खून, शुद्ध खून, लिम्फेटिक चैनल्स, इसमें अलग अलग प्रकार के थ्रेड्स हैं, दोरे हैं, मसल्स हैं। अब सभी का नाम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो पूरे ये हिस्से को बराबर जकड़ के रखते हैं। इसमें ऊपर के हिस्से में खून की एक भी नली नहीं है। अब ये हिस्से में सेंसेशन, अलग अलग प्रकार की संवेदना के लिए सेंसेशन आया हुआ है। हमारी छोटी उंगलियां से पकड़ के हम आम देखे कि हाँ भाई ये पक्का है कि नहीं, हम दबा के तय कर सकते हैं, वो सेंसेशन हमें दिया है इस कुदरत ने। माउंटेनियरिंग वाला 2 उंगली से पकड़ के तय करता है कि ये पकड़ के ऊपर हम चढ़ सकते हैं कि नहीं। हम गरम गरम चाय उठाई, गरम है रख दिया, या ठंडा ग्लास उठाया कोल्ड ड्रिंक्स का, हाँ भाई ठंडा ज़्यादा है थोड़ी देर वेट करें, ये सब संवेदना ले जाने वाली संवेदना की नली चेतातंतु हमारे चमड़ी के नीचे के हिस्से में, एपिडर्मिस के नीचे के हिस्से में आई हुई है। अब मैंने जो बात की कि ऊपर के हिस्से में कहीं पर भी खून की नलियाँ नहीं है, यही भाग में खून की नलियाँ नहीं है। हमारे शरीर में कितने कोश आए हैं आप सोच सकते हो? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, हमारी दुनिया की बस्ती से ज्यादा कोश हमारे शरीर में। हर एक कोश जीवंत है, हर एक को खाना चाहिए, हर एक को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक को इसका वेस्ट प्रोडक्ट निकालने की व्यवस्था चाहिए। एपिडर्मिस चमड़ी का ऊपर का जो हिस्सा है इसमें कोई भी खून की नली नहीं है, तो वहां
पहुंचाने के लिए जो नलिया है इसमें से एक प्रकार का प्रवाह निकलता है जिसमें पोषक तत्व है, जिसमें ऑक्सीजन है। इसमें से बेसल नीचे का लेयर जरूरी पोषक तत्व ले लेता है और निकम्मा पदार्थ डाल देता है। वो लिक्विड वापस लिम्फेटिक चैनल्स में कलेक्ट होता है और शरीर में वापस जाता है। मैंने शुरुआत में आपको कहा कि स्कीम फेल्योर हो तो शरीर को मृत्यु तक ले जा सकते हैं। बर्न हुआ, जल गए, शरीर का बहुत सारा हिस्सा जल गया, ऊपर का लेयर डिस्ट्रॉय हो चुका, तो जो प्रवाही निकलेगा वो प्रवाही वापस शरीर में वापस नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से शरीर में डिहाइड्रेशन एक होगा और शरीर के बहुत अगत्य के इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स और जरूरी पदार्थ जो शरीर ही बनाता है, हम कहे कि बाजार से सब कुछ ले सकते हैं लेकिन शरीर बनाने वाला पदार्थ बाजार से नहीं मिलेगा और इसके लॉस से मृत्यु हो सकता है। कई दफ़ा सुनते हैं कि बंस सीवियर बर्न होगा, मर गया, ये इसकी वजह से होता है। शरीर का एक दूसरा कर्तव्य टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियमन। ये किस तरह करते हैं? पसीना की ग्रंथि से पसीना निकलता है, चमड़ी पे ऊपर स्प्रेड हो जाता है, शरीर के अंदर से गर्मी खींच के शरीर को ठंडा करता है। हम सब काम करते हैं, सुबह में दौड़ने जाते हैं, पसीना होता है। हमारी एनर्जी दो प्रकार से इस्तेमाल होती है, एक एनर्जी काम में जाती है, दूसरी एनर्जी शरीर का टेम्परेचर बढ़ाती है। 15 साल पहले हमारे वहाँ कांच का बल्ब आता था, चालू किया, कमर उजाला कम, लेकिन उसको छुओ तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी थी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा प्रकाश की जगह गर्मी पैदा करने में यूज होता था। अब LED है, इसमें गर्मी नहीं लगती है। इसी प्रकार कई कई लोगों में थोड़ा काम करने के बाद भी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है और इससे पसीना ज़्यादा होता है। यहाँ बैठे हुए कई लोग कहेंगे कि गरम गरम चाय पीते हैं पंखा बंद हो गया पसीना पसीना हो जाता है। शरीर के तापमान में परिवर्तन होने से पसीना होता है और पसीना की ग्रंथि के जरिए पसीना बाहर आके शरीर को ठंडा करने की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा पसीना, ज़्यादा गीलापन शरीर में लंबे अरसे तक रहे तो चमड़ी की संरक्षण की प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस होता है। वो इतनी अच्छी तरह से चमड़ी प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है, खास करके एक्सिला, ब्रेस्ट के नीचे, कमर के हिस्से में और अंदर के हिस्से में, और इसकी वजह से फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग सकता है। हम हमारे बच्चे पे हमारी अपेक्षा थोप देते हैं। हम मानते हैं कि हमारा बच्चा IAS होना चाहिए, IRS होना चाहिए, हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, अमेरिका जाके सेट होना चाहिए, और ये सब अपेक्षा में हम हमारे बच्चे को दौड़ाते हैं। हमने कभी सोचा कि हम पढ़ते थे तब किस तरह पढ़ते थे? नहीं, सुबह 7 बजे के स्कूल है, 6 बजे बच्चे को उठाया, 7:45 बजे गाड़ी टैक्सी रिक्शा जो आने वाली है लेने आने की, वो 6 बजे उठ के 10 मिनट में बराबर हुआ, बाद में उनको ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, स्नान करना है, कपड़े पहनना है, दफ्तर लेना है, बूट पहनना है, नाश्ता करना है और निकलना है। दोस्तों, इसमें से कहाँ से वो समय बचाएगा? समय बचाने का ब्रश में और शरीर पहुँचने में ही समय मिलेगा। तो शरीर पहुँचने के अंदर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट में शरीर पहुंच लिया, तो शरीर पहुंचेगा नहीं, गीला रहेगा। एक आपसे बात करूंगा, हमने अपने सर्वेंट रामा को कहा कि जा रामा, जाके ब्रेड और टोस्ट लेके आ। वो लेके आया, तब तक हमें ऑफिस से फोन आया, निकल गए। उन्होंने एक जगह रख दिया। 10 दिन के बाद याद आया, हमने कहा कि भाई ब्रेड लाए हो? हाँ साहब लाए हैं, रख दिया।
हमने वो ब्रेड खोला तो कैसा होगा, इसमें फूक लग गई होगी। क्यों? इसमें पेज भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो फूक लग सकती है। टोस्ट में नहीं लगे, क्यों नहीं लगे? टोस्ट सूखा है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सूखापन की वजह से फूक नहीं लग सकती है। इसी प्रकार हमारा शरीर गीला हो तो हमारे शरीर के ऊपर आई हुई चमड़ी जो डेड सेल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, वो और पानी दोनों मिलके फूक को इन्वाइट करेंगे और इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन लग सकता है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? शरीर गीला ना रहे ऐसा ध्यान रखना चाहिए। हम फैंसी टुवाल लेके आते हैं, फर टुवाल लेके आते हैं, जो भी टुवाल खरीदो, मैं टेक्सटाइल मैन से बात कर रहा हूँ, फिर भी बताना चाहूँगा कि जो भी टुवाल खरीदो इसके ऊपर एक पानी का बिंदु डालो, नीचे सर जाता है वो टुवाल न कमा, वहाँ ही एब्सॉर्ब हो जाता है बराबर। शरीर पहुँचने के लिए 8 से 10 मिनट दो, न दे सको तो मत तभी स्नान करो, जब समय है तब स्नान करो। हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल से आके 10 मिनट दोस्तों से बात कर लेते हैं, बाद में कपड़े बदलने जाते हैं, वो किस्से में गीलापन की वजह से वापस फूक लग सकती है। तो ऐसे किस्से में शरीर पे चमड़ी पे, खास करके अंदर की चमड़ी एक्सिला में नारियल तेल या कोई भी चिकनाहट लगा के जाओ, वो चमड़ी के ऊपर एक लेयर बना देगा जो पानी को वहाँ छूने नहीं देगा। ये फंगल इन्फेक्शन है, वी कैन सी। अब फंगल इन्फेक्शन में एक बात मुझे कहना जरूरी लगता है, हमने भारत सरकार को कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, स्टीरॉयड का कॉम्बिनेशन पूरी दुनिया में बहुत कम जगह पे मिलता है, वो हमारे देश में अलाउ है। हम डॉक्टर के पास गए या केमिस्ट के पास गए, एक क्रीम दे दी, लगाई, दूसरे दिन खुदली चली गई। दोस्तों कहीं पर भी जादू नहीं होता है, आज धंधा शुरू किया और कल मर्सिडीज नहीं आती है। तो स्टीरॉयड की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पे असर होता है और इसकी वजह से चीप फैलता है, सिम्टम्स नहीं देता है। मैं लास्ट ईयर अमेरिकन एकेडमी में यूएसए था, वर्ल्ड कांग्रेस में कनाडा था, पूरे विश्व में फंगल इन्फेक्शन के बारे में चर्चा होती है और चिंता होती है। फंगल इन्फेक्शन को हम गज किरण कहते हैं, दराज करते हैं, दाद करते हैं, ये सब के बारे में विश्व चिंतातुर है। जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही थी, इसमें से मोस्ट ऑफ दवाइयाँ अभी रेसिस्ट हो चुकी है, वो जवाब नहीं दे रही है। तो दोस्तों आप कोई भी इसके लिए दवा कोई भी केमिस्ट के पास से मत खरीदो, हो सके तो देख लो। अभी तो आप सभी के पास अलाउद्दीन का जादुई चिराग है, व्हाट्सएप है, जो जो कंटेन है वो डालो और पढ़ लो, इसमें क्या है और क्या नुकसान कर सकता है, नुकसान करने वाली चीजें दूर कर दो। यहाँ भी ये बच्चा एक साइड पे सोता था, मुंह में से लाड निकलती थी और इसकी वजह से इस तरह का हुआ है, पानी में ज्यादा काम करने से ये भी फंगल इन्फेक्शन है। अब फंगल इन्फेक्शन में शरीर सूखा रखने की बात की, इसके साथ जो बहनों रसोई घर में काम करती है, पसीना होता है, कभी सरमट नहीं आया, बर्तन धो लिए, दो कपड़े धो लिए, तो पानी के छिटके से शरीर गीला होता है और गीलापन से वापस हो सकता है। तो वो किस्से में क्या करना चाहिए? रसोई घर में जिस साइड पे खड़े रह के आप रसोई करते हो, वहाँ सभी खिड़की बंद कर दो और एक जगह जहाँ आप खड़े रहते हो इसके ऊपर एक्सॉस्ट फैन लगा दो। रसोई में काम करने के लिए स्ट्रिक्टली कॉटन कपड़े, सूती के कपड़े होने चाहिए, ढीले होने चाहिए। आप काम किया, पसीना हुआ, पसीना से कपड़े गीले हुए, एक्सॉस्ट फैन शुरू किया, पवन आपको छू के जाएगा तो कपड़े सूखे होंगे, पवन की वजह से शरीर का पानी निकल जाएगा पसीना, तो शरीर ठंडा रहेगा, तो फिर से पसीना कम होगा, शरीर सूखा रहेगा, पसीना कम रहेगा, नहीं होगा तो
तो तकलीफ नहीं होगी। बर्तन कपड़े के लिए रबर का एप्रोन इस्तेमाल करो और वो बांध के काम करो तो पानी का छींटे निकल जाएंगे। कभी कभी पानी के साथ ज़्यादा काम करने से, पर्टिकुलरली जो सर्वेंट हैं उनको पैर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और वो चालू रहता है, इसके लिए कॉटन के थोड़े सॉक्स और गम बूट लेके रखने का। काम करते वक्त, वो पानी के साथ काम करते वक्त कॉटन का सॉक्स पहने और गम बूट पहने, उनको तकलीफ नहीं होगी। उनकी सेहत के लिए नहीं, लेकिन आपके वहाँ हफ्ते में एक दिन ना आए ऐसा ना हो, इसके लिए ये ला के देने का। हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, एक दूसरे के बूट स्लीपर पहनने का भी होता है दोस्तों, इससे बचने का। दूसरे का फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन आपको लग सकता है तो मसे होने की संभावना और फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इन्फेक्शन रोग प्रतिकारक शक्ति चमड़ी की किलापन से कम हो जाती है, इससे फंगल इन्फेक्शन के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। हम बात करेंगे तैली ग्रंथि की, सेबेशियस ग्लैंड, एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस हमने दिखाया इसमें तैली ग्रंथि है। बाल के साथ, हर एक बाल के साथ, हर एक केश के साथ एक तैली ग्रंथि है, लेकिन सभी तैली ग्रंथि एक्टिव नहीं होती हैं, बहुत कम तैली ग्रंथि काम करती हैं, बाकी की साइलेंट रहती है। छोटे बच्चे, इस प्रकार के बच्चे को कई दफ़ा हम डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में उनके पेरेंट्स लेके आते हैं, कहते हैं कि ये वाइट पैच हुआ। दोस्तों ये वाइट पैच नहीं है, चमड़ी सूखी होने से होने वाली तकलीफ है, इसे पिटेरिया से साल बार करते हैं। अच्छा मॉइस्चराइजिंग सॉप, मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हर ठंडी के मौसम में होता है, लेकिन जैसा बच्चा बड़ा हुआ उसका आवाज़ में बदलाव आई, बेटी के मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ कि शरीर में हॉर्मोन्स बनते गए, जो हॉर्मोन्स का काम अमुक ऑयली ग्रंथि को ज़्यादा काम करना, यानी कि मुँह की ऑयली ग्रंथि, छाती के ऊपर के हिस्से, हाथ के ऊपर के हिस्से, पीठ के और कई कई को बैठने की जगह की ऑयली ग्रंथि ज़्यादा काम करती है, और वो ऑयली ग्रंथि ज़्यादा काम करने से बच्चे की जो स्किन ड्राई हो जाती थी, सफ़ेद दिखाई देती थी, वो बंद हो जाएगी। अब ऑयली ग्रंथि कहाँ कहाँ किस तरह काम करती है, शरीर के ऊपर के हिस्से में डेड सेल है, वो ऑयली ग्रंथि का ओपनिंग ब्लॉक कर दे तो ब्लैक हेड होता है, इसमें ऑयल जमा होने से इरप्शन होता है तो पेप्यूल नोड्यूल होता है, और इसमें चेप लगने से पस्ट्यूल पस्प हो जाता है। ये ब्लैक हेड्स हैं, यहाँ पस्ट्यूल्स हैं। ये दो चीज के बारे में मुझे बात करनी है दोस्तों। आप दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, ऐश्वर्या रॉय सभी को जानते होंगे, हम जानते हैं वो नहीं जानते। सोचो उसके मुंह पे 10 धब्बे होते खिल की वजह से तो वो दीपिका बनती, वो सेलिब्रिटी बनती? नहीं बन सकती। तो हम ऐसा क्यों करें जिससे हमारे मुंह पे धब्बे बन जाए? 80 साल के यहाँ जो बैठे हैं वो तो कहेंगे कि भाई हम अपनी बीबी को देखने नहीं गए थे, हमारे पिताजी या दादाजी ने तय कर दिया था, हमने शादी कर ली। लेकिन आज लड़का लड़की मिलते हैं, एक दफ़ा नहीं 5-6-7 दफ़ा बातचीत करते हैं तब तय करते हैं। फेस इज ए पासपोर्ट ऑफ अ पर्सन, हम कैसे दिखाई देते हैं इसके बाद शादी या कुछ तय होता है, हमारा प्रेजेंटेशन होता है। अच्छा दिखाने से बातचीत शुरू होती है। आजकल सभी को अच्छे नाखून अच्छे लगते हैं, नाखून बढ़ाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं तो सुनते नहीं हैं, और पेशेंट आर्ग्यूमेंट भी करते हैं मेरे पास भी कि साहब हम छूते नहीं हैं। कोई भी जीवन व्यक्ति 24 घंटा
जाग नहीं सकती, उसको निंद्रा आराम की आवश्यकता होती है। और निंद्रा में पता न चले तब नाखून मुंह पे चला जाता है, चट्टे बन जाते हैं। इसलिए मेरे यंग फ्रेंड्स से मैं अपील करूंगा कि पहली दफ़ा नाखून काटे और दूसरी दफ़ा स्नान के, हर रोज स्नान के बाद रफ नेल कटर की रफ सरफेस पे नाखून घिस दें, जिससे नाखून बड़ा नहीं होगा तब भी नहीं बनेंगे। दूसरी एक चीज, हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो निकालने का प्रयत्न करते हैं एक नाखून से दबा के, दूसरा स्क्रबिंग करने से। बार बार साबुन लगाएंगे क्योंकि ऑयली है, बार बार साबुन लगाने से चमड़ी सूख जाती है और इसकी जो आवश्यक दवाइयां भी नहीं लगा सकते। स्क्रब करने से कई दफा धब्बे पड़ जाते हैं, फूट जाता है और दाग पड़ते हैं। तो आपसे अनुरोध, नाखून बिल्कुल कटा हुआ रखो और सोप का उपयोग मर्यादित करो, जिससे चमड़ी सूख न जाए। ये मुहा प्रकार है। अब तैली ग्रंथि ज्यादा काम करे तो मुहासे बनेंगे, तो तैली ग्रंथि कम काम करे तो क्या होगा? तैली ग्रंथि कम काम करे तो चमड़ी सूखी होगी और ओल्ड एज में सूखी चमड़ी में खुजली बहुत आती है, खास करके किडनी फेल्योर जिसका सीरम क्रिएटिनिन हाई हो, ब्लड यूरिया हाई हो, इसको सीवियर प्रोरेटस बहुत खुजली आती है और वो किस समय मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यदि आप शावर बाथ लेते हो और आपकी स्किन ड्राई है तो 4-5 मिनट से ज़्यादा मत लेना हॉट वाटर शावर बाथ। ये पानी, गर्म पानी लंबे अरसे लेने से चमड़ी के ऊपर आई हुई ऑयल निकाल देता है, स्किन ड्राई होती है। जिसकी ड्राई स्किन हो और ऐसा करे उसका ड्राइनेस बढ़े, तकलीफ बढ़े। ओल्ड एज में ड्राइनेस की वजह से बहुत सीवियर खुजली आती है, उनके लिए बाथटब में इमल्सन डाल के 30-15 मिनट बैठने का, लेकिन निकलते वक्त किसी को बुला लेना। ओल्ड एज, थोड़ा सा गीलापन, फंसल गए और एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो बुजुर्ग के लिए बाथटब में इमल्सन डाल के थोड़ी देर बिठाना, बाद में यहाँ टर्किश ऑयल का उपयोग करने का, जस्ट शरीर को इस तरह पहुँचने का और इसके बाद इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाने का। मॉइस्चराइजर लगाने की भी एक ट्रिक होती है, एक रीत होती है। मॉइस्चराइजर और लिवर मॉइस्चराइजर मॉइस शरीर पे लगाने से वो मॉइस शरीर की मेंटेन करता है, गीला थोड़ा सा मॉइस्ट शरीर, इसके ऊपर ये मॉइस्चराइजर लगाओ तो एक कोटिंग हो जाता है जिससे मॉइस्ट शरीर से निकल नहीं सकती। स्नान के बाद, शरीर पहुंचने के बाद तुरंत लगाओगे तो 90% आपको फायदा होगा, आधे घंटे बाद लगाओगे तो 5% रहेगा। यानी कि स्किन में जब मॉइस्ट हो तभी मॉइस्चराइजर लगाने का। मॉइस्चराइजर लगाने के लिए हो सके तब तक बॉटल की जगह ट्यूब रखे वो अच्छा है, बॉटल हो तो 3-4 इससे शेयर नहीं करने का, इसलिए कि उंगली डाल के निकालो तब किसी का इन्फेक्शन हो तो दूसरे को स्प्रेड हो सकता है। नंबर 2, ये क्रीम लगाओ तो हेयर जिस तरह ग्रोथ है वही लाइन में लगाने का, रिवर्स नहीं लगाने का, नहीं तो बाल की जड़ों के आजू बाजू हो मलम जमा होता है, लंबे अरसे के बाद कभी कभी इरिटेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादा खुजली हो तो रिपीटेड स्नान के बाद, शरीर पहुँचने के तुरंत बाद लगाओ। एक तौलिया आप गीला करके शरीर पे घुमा दो जिससे शरीर मॉइस्ट हो जाएगा, इसके बाद लगाओ और वो दिन में 2-3-4 दफ़ा कर सकते हो। इस प्रकार की इरिटेशन ओल्ड एज में रहती है और इसमें मॉइस्चराइजर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। ये कॉमनली डायबिटिक पेशेंट,
रीनल प्रॉब्लम वाले पेशेंट को रहती, डेंड्रफ। डेंड्रफ का प्रॉब्लम छोटे से बच्चे से लेके बड़ों तक होता है। इसके लिए केटाकोनिजन का शैम्पू ओटीसी में मिलता है, कोक्टर का मिलता है, इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक बात करने की, मैं आपसे बात करने की इच्छा होती और करूँगा। छोटे बच्चे में खास करके डेंड्रफ हो, इसको हम तेल डालने की मना करते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया था, मैंने कहा तेल मत डालो, और वो चिल्लाया कि नहीं मैं डालूँगा। उससे पूछा क्यों, मेरे स्कूलों में पता नहीं क्यों, न तो यूरोप में, न तो अमेरिका में, न तो डान में बच्चे को तेल डालने के लिए इंसिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे वहाँ सभी स्कूल तेल डालना मैंडेटरी करते हैं। जिसको तेज सिर में तकलीफ है और तेल डालेंगे खुजली बढ़ेगी, वो बच्चे को मैंने मना किया और जो चिल्लाया। बाद में पूछा क्यों, उन्होंने कहा एक दफ़ा मैं तेल डाले बिना गया था, चालू क्लास में सभी के बीच में मेरे सिर में कैस्टर ऑयल डाल दिया, उसको बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सदमा हुआ। यदि वो स्कूल अमेरिका या यूरोप में होती तो बड़ा कॉम्पनसेशन मांगते। आज भी 20 साल के बाद वो बच्चा वो स्कूल से मांगेगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि 10-15 साल में हम इतना ग्रो कर जाएंगे कि ये सब चीज़ नहीं रहेगी। तो यहाँ स्कूल से जुड़े हो, कोई भी हो, तो इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिन जरूरी ये मत करो। इतना अच्छा है कि मैं लिख के देता हूँ तो अब तक सभी स्कूल उसको मान्य रखती है और बच्चे पे फोर्स नहीं करती है। ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, इसमें भी तेल नहीं डालना चाहिए। एक एटोपिक डर्मेटाइटिस, छोटे बच्चे का एक्सीमा, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो 5-7 घंटा लेने वाली बात है। लेकिन इसमें भी चमड़ी सूख जाती है, सूखने के बाद खुजली आती है और खुजली के बाद लालाश होती है। तो यहाँ भी हाइड्रेशन मेंटेन करने की आवश्यकता है। हमने इतनी बात की, इसमें आप थोड़ा तो समझ गए होंगे कि चमड़ी हम मानते हैं इससे बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। फिर भी अभी होली गई, हमने ऑयल कलर से होली खेल ली, मेटलिक कलर से खेल ली, अब क्या करने का। यहाँ बैठे हुए सभी से मेरा अनुरोध है कि अगली दफ़ा आप होली इको फ्रेंडली कलर से खेलें। हम यहाँ से पिपरो जाते हैं सिटी जिमखाना, वहाँ केसुड़े के फूल बहुत गिरे हुए होते हैं, आप लेके आओ उबालो, अच्छा केसरी रंग होगा। पीले फूल आते उसका उबालो, पीले कलर बन जाएंगे, लेकिन मेटलिक से मत खेलो। आप खेलने जाते हो अपने रिश्तेदारों से, मित्र से, सगे संबंधी से, उसको कोई बीमारी मत दो। अमुक मेटलिक कलर किडनी को लंबे अरसे में डैमेज कर सकता है, आपको डैमेज कर सकता है। होली के बाद बहुत सारे किसेस आते हैं, तो आपसे फिर से अनुरोध है कि अगली दफ़ा इको फ्रेंडली से आप उपयोग करोगे। शरीर की कोई कीमत नहीं है, ईश्वर मुफ्त में देता है। लेकिन दोस्तों, आप पेपर में एडिट दे दो कि एक हाथ चाहिए, पैसा मिलेगा, कितने लोग आएंगे, 1 करोड़ दे दो, कौन हाथ देने आएगा। हृदय चाहिए, 100 करोड़ लिख दो, कोई नहीं देने आएगा। यानी कि ईश्वर ने जो हमें मुफ्त में दिया है उसकी कीमत अनमोल है। इस तरह टैटू करवाने का, टैटू में भी कई एलर्जी होती हैं, तो आपसे अनुरोध करूंगा किसी को शौक है तो जो कलर सिलेक्ट करो वो कलर का डॉट से करवाओ पहले, 3 महीने के बाद इससे कोई तकलीफ नहीं होती है तो करवाओ। हम अलग अलग डाई, शैम्पू, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी कॉस्मेटिक डाई कान के पीछे छोटे से हिस्से में लगाना, 3 दिन देखना, कोई तकलीफ नहीं होती, आपके शरीर को शुद्ध करता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। बी गुड टू योर स्किन, यू विल वेयर इट एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ।
चमड़ी ऐसी है कि जिसे हर रोज पहनने की पूरी जिंदगी रखने की है। हमारा शर्ट थोड़ा बिगड़ जाए तो हम काम वाले पे, सर्वेंट पे या बीबी पे गुस्से होकर देते हैं। हमारा बहुत चाहता शर्ट बिगड़ा, लेकिन चहेती चमड़ी को हम कभी चिंता करते हैं। जो भी मन में आए वो लगाते हैं, तो वो बहुत हाथ से मत लगाना। टेक केयर, ये आपके साथ पूरी जिंदगी रहने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये ट्रस्ट का भी धन्यवाद। ट्रस्ट को फिर से मैं अभिनंदन देता हूँ इस प्रकार का कार्यक्रम के लिए, और यहाँ आए हुए सभी सज्जन और सन्मानियों को भी मैं अभिनंदन देता हूँ। सुबह सुबह में यहाँ आना कष्टदायक है रजा के दिन। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके कोई भी क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो करें। 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। कोई भी व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं पूछे, आप सबसे रिक्वेस्ट है कोई व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं पूछें। कॉमन क्वेश्चन जो पब्लिक के इंटरेस्ट में आप सबके हित में, ऐसे क्वेश्चन आंसर से 15 मिनट के लिए रहेगा, शांति से बना के रखें। नहीं, प्लांटर कैरेक्टोडर्मा इसे हमारी भाषा में कर दे। हम नाम तो इतना सिलेक्ट करते हैं जिससे किसी को पता नहीं चले। प्लांटर कैरेटोडर्मा, हमारी पैर की चमड़ी बहुत ठीक होती है, वो ड्राई हो जाती है तो खींचती है। आपके बात करता हूँ, और इसकी वजह से उसमें क्रैक होती है। अब साबुन पानी से काम करना हो, ज़्यादा काम करना हो, तो पैर में गम्बू सूती के मोजे, पैर पे मॉइस्ट रहे इसके लिए मॉइस्चराइजर जिसमें यूरिया हो वो लगाने का रेगुलर प्रैक्टिस करो। सुबह शाम लगाओगे, एक आध महीने में मिट जाएगा। बात नहीं, किस तरह लगाया इसके ऊपर आधार। अपने गम्बुक कहाँ से खरीदे, खरीदा? हाँ, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट बोथ शुड कंबाइन। गम्बुक विल प्रिवेंट फर्दर ड्राइनेस, और मॉइस्चराइजर इसको जो डैमेज है उसको रिपेयर करती जाएगी। आज तक मोस्ट ऑफ केसेस आर ओके विद दिस, एक्सेप्शन देयर शुड बी अनदर रीजन फॉर दैट, जेनेटिकली और एनी अदर थिंग, अदरवाइज दिस आर इनफ। सर, आपने ड्राई स्किन के बारे में बताया, जिनकी ऑयली स्किन होती है उसके लिए, बहुत ज्यादा ऑयली होती है उसके लिए क्या आपका सजेशन है? सर्टन ऑयल कम करने का क्रीम, सर्टन ऑयल कम करने का शैम्पू साबुन मिलते हैं, लेकिन ऑयली क्यों होता है वो देखना भी आवश्यक है। रीजन व्हाई इट इज ऑयली, हमारे जीवन जीवन में की शैली बदल चुकी है। आज से 50-60 साल पहले घर में फ्रिज बहुत कम लोगों के पास था। मिठाई, अब प्रसंग को छोड़ के मिठाई तो खाने की नहीं होती थी, स्कूटर या कार लेके बाहर जाने का नहीं होता था। आई कैन रिमेम्बर इन 1967 में संग्रामपाड़ा में रहता था, 8वां लाइन्स में पीटी साइंस कॉलेज पैदल जाता था, पैदल आता था, और हमें कभी नहीं लगा कि हमने बहुत चल लिए। एनसीसी तब कंपलसरी थी, तो सुबह एनसीसी में जाए आए, कॉलेज जाए आए, कोई तकलीफ नहीं होती थी, और यूनिवर्सिटी में नंबर भी आता था। तो हमारी जीवन जीने की शैली एक तो बदल गई। हमारे पुरखों ने जो खुराक तय किया था, कॉम्बिनेशन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, तो एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता था, तो शुगर का लेवल इतना नहीं बढ़ता था, तो इससे शरीर में बहुत सारी तकलीफ होने की कंट्रोल होती थी। चलने से वेट नहीं बढ़ता था, तो शरीर बैलेंस रहता था। अब ये ऑयलीपन के लिए स्पेसिफिक रीजन ना हो तो रेटिनॉइड्स लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, और इसके लिए सैलिसिलिक एसिड का साबुन आता है, इससे फ्रीक्वेंट 2-3 दफ़ा अकॉर्डिंग टू ड्राइनेस इस्तेमाल करने का होता है। जो धूप में अल्ट्रा वायलेट रेज आए वो धूप हमें दे सकते हैं विटामिन डी। सुबह में कम अल्ट्रा वायलेट रेज रखते हैं, लेकिन हमारी स्किन को डैमेज ना करे इसके लिए सुबह का रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि अपने ऊपर आए हुए ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बहुत कम हो चुके हैं, बहुत कड़ी धूप आती है। तो 9-10 बजे का धूप, 5-10 मिनट
मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सुबह की चाय कॉफी नाश्ता बीबी बच्चे माता पिता बहू के साथ बाहर जहां से दूध मिलते हो वहां 10 मिनट बैठ के पिए तो डॉक्टर आपसे थोड़ी दूर रहेंगे। पढ़ाई के बारे में बताइए क्या कैलोरी नई चमड़ी नहीं आती है। फाइब्रोब्लास्ट वो घाव को भर दे रात में दिमाग से एक ऑर्डर आता है अब रुक जाओ। वो रुक जाने का ऑर्डर नहीं सुनते हैं तब नए नए लेयर बनते हैं और किलोड बनते हैं। किलोड सामान्य तौर पे नेक्रोस काले लोगों में ज्यादा होता है। किलोड जिनको हो उनको शरीर पे ईजा न हो इसका ध्यान रखना। इवन ऑपरेशन जलना कट होना कोई भी प्रकार की ईजा कोई कोई जगह केवल बना सकती है। मुहा से हुए दबा के तोड़ दिए वहां भी किलोट बन सकता है। किलोट की ट्रीटमेंट कभी सर्जरी मत करना। नंबर वन जितना कट होगा जितना डैमेज होगा इतना बाद में वापस हो सकता है। इसके लिए क्रायो इंट्राविजन इंजेक्शन और सिलिकॉन जेल करके एक दवा आती है आपके फैमिली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना वो अच्छी तरह से इसे ट्रीट कर पाएंगे। माता ही बोलती थी मैं दूध को कोई जगह नहीं देता मेरे साथ आ गया ऊपर से दूध दिया दूध के ऊपर आप कुछ खाओगे पियोगे तो उससे कुछ चमड़ी का परेशानी होती है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये माता कई खाने के साथ अचार वगैरह लेती हैं तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर थोड़े भाई खाना जरूरी है या नहीं खाना चाहिए। मैं अब तरह से तो बोलता मैं तो नहीं खाता हूँ लेकिन फिर मुझे हमने हमें लाते थे शायद बनाया होगा तो तक्षशिला में आक्रमण के वक्त लोगों ने जला दिया था इस्लामिक आक्रमण के वक्त लेकिन हमें पास इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हम जो साइंस पढ़े हैं मैं जो साइंस पढ़ा हूँ इसमें ऐसी कोई बात नहीं आती कि इसके साथ ये खाने से तकलीफ हो सकती है। लेकिन एज ए न्यूट्रल पर्सन में देखूँ डॉक्टर के अलावा तो 5000 साल में कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन की वजह से ये हुआ होगा और इसलिए जरूरत न हो तो वो कॉम्बिनेशन अवॉइड करना। ये तल्ते, तल्ते, कोकोनट ऑयल सरसों के पहले लगाना चाहिए नहाने के बाद लगाना चाहिए स्नान से पहले लगाए तो वो मालिश होगी वो एक प्रकार की फिजियोथेरेपी होगी हमारे स्नायु को बराबर करने के लिए एक्सरसाइज होगी। स्नान के बाद लगाए तो वो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए होगी। ये तेलों में एक कोकोनट ऑयल अच्छा रहता है इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल दोनों एक्टिविटी हैं और शरीर सूखा रहता हो तो स्नान के बाद शरीर दुबला रहता हो तो स्नान से पहले और स्नान के बाद भी लगा सकते हैं। आपने बताया कि डैंड्रफ में ऑयलिंग नहीं करना चाहिए तो ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा है मुझे काफी ईयर से तो इसमें ऑयलिंग नहीं करना चाहिए वालों में। नंबर वन किसने तय किया दिस फंगल इन्फेक्शन? फंगल इन्फेक्शन विल नॉट रिमेन फॉर इयर्स। It can be treated, it can be easily controlled in a maximum 6 months. तो फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। वहाँ के सेल डिविजन ज्यादा होते होंगे और डेंड्रफ जैसा होता होगा। इसके अंदर कोल्टा और केटाकोनाजोल का शैम्पू अच्छे रहेंगे और वो प्रिवेंट करेंगे। थर्ड थिंग डेंड्रफ है तो ऑयल अभी इस्तेमाल मत करना। क्लियर बढ़ता है इससे होता है। 66% केसेस में हमें जीनेटिकली पॉजिटिवनेस मिलती है कि बेटा दूसरी चीज
पेट, कोई भी प्रकार का व्यसन हमें नुकसान करता है। दोस्तों खेड़े दिल में जाओ तो आप देखना, तंबाकू के खेत में कहीं बाट नहीं है। उनको पता है नव या हिजन शरीर में फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन की दवा करवाना। आपको सभी को कभी बुखार आई है? हाँ आई है। दवा की मिट गया वापस हुई हुई। कोई चीज हमेशा के लिए करना मुश्किल होता है। इस प्रकार की कंडीशन खड़ी हो तो वापस हो सकता है। आप हर रोज दूध फेरिया देने आता है तब भी धोखे देते हो, एक दिन नहीं धोए तो वो दिन बिगड़ गया, वापस दो महीने के बाद तरह पर साफ नहीं हो तो वापस बिगड़ गया। इस तरह ये होने की जो वजह है वो दूर रहो तो वापस नहीं होगा, वापस वो वजह आ गई तो वापस हो सकता है, या जेनेटिकली या दूसरा रीजन हो तो आ सकता है। सर हेड आई के लिए कुछ प्रकाश पड़े हेड आए? दोस्तों मैंने लास्ट में थोड़ी हेड आई के बारे में बात की। अलग अलग किस्म के डाई, सामान्य तौर पे जो भी डाई मिलती है सभी में केमिकल्स आता है, वो ग्रेन बड़ी से बड़ी कॉस्टली या काली कैंसर करती है, लेकिन वो मात्रा से कम आती है जिससे वो होने की संभावना नहीं होती। जो भी है डाई सिलेक्ट करो वो कम से कम 3 दिन छोटे से हिस्से में किस कण के पीछे लगा के देख लेना। शूट करती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, शूट नहीं करती है तो गो फॉर वेजिटेबल डाई विच कॉस्ट 800-700 रुपीज विच रिक्वायर फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन। क्या साफ करने से स्किन में एलर्जी होती है? क्या साफ करने से? सब्जियां वगैरह साफ करने से स्किन में एलर्जी होती है? सब्जियां और इसकी वजह से अंगूठा और ये दो फिंगर में, 3 फिंगर में टॉप पे फिंगर टिप पे हो जाता है। ऑनियन, गार्लिक, आदू, टमेटा, मिर्ची, ये सब काटने से जो जूसेस लगते हैं इससे होता है। और इसके लिए हो सके तब तक इसके पाउडर या उसके काटने के जो साधन आते हैं अंजलि के वो इस्तेमाल करने हैं। प्लेटफॉर्म एक टाइल्स पे गोरख के सब काटने का रखने का, जिससे कम से कम इसका जूसेस लगे। एक बहुत सीरियस इशू हो गया है सर, और पर्टिकुलरली यंग मेल और फीमेल दोनों ही हो रहा है। मेल्स के लिए इतना इश्यू नहीं है लेकिन फीमेल्स में भी बहुत हो रहा है, तो इसका कोई प्रिवेंशन या कैसे इसको कम किया जा सके? अपने बेटे बेटी को लेके जाएंगे और कहेंगे कि देखो ना डॉक्टर सर, मेरे बेटे के सिर में जो बाल उग गए अब क्या करेंगे। जो चीज की आवश्यकता नहीं है वो चीज धीरे धीरे चली जाती है। आप अपने घर में फोटो देखो, आपका, आपके पिताजी का, दादाजी का, उनके दादाजी का, सभी में धीरे धीरे बाल कम दिखाई देंगे। तो हम धीरे धीरे जिसकी आवश्यकता नहीं है वो गवा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, अभी जो तकलीफ है इसका क्या? 500 साल की बात तो तब जाने, हमने 25वीं पीढ़ी देखी, अभी क्या? हमारे खान पान में जो परिवर्तन हुआ है इसकी बहुत बड़ी हम किल्लत चुका है। जंक फूड बहुत कॉमन हो गया है। पहले कौन खाना पकाता है, कैसे पकाता है वो देखे जाते थे, कैसे ऑयल, कैसे घी। अरे शादी की बात करो, सामने खाना पकता था और लेके खाते थे। अब कहाँ पका, कौन है, किसने पकाया, कहाँ से आया, पता नहीं चलता है। तो खान पान यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का बीटवेल किया जाए तो कम से कम 30% का बीटवेल कम मिलेगा। नमस्कार, एक तो बैलेंस डाइट, सेकंड हम बहुत एम्बिशियस हो गए। हमने सभी को धीरूभाई अंबानी बनना है, हमने सभी को लग्जरियस कार चाहिए, अब तो मर्सिडीज से भी आगे हम सोचते हैं जगुआर वो चाहिए, बाहर जाना है तो मेरा हेलीकॉप्टर हो तो अच्छा। तो जो एम्बिशियस हो गए, अपेक्षाओं बहुत बढ़ गई, अपेक्षा पूरी करने के लिए हमें 8 घंटे कम पड़ते, 24 घंटे हमारे दिमाग में वो चलता रहता है, नींद में भी उसके स्वप्न आते हैं और वो
हमारे हार्मोन्स को बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। तीसरी बात, ब्यूटिशियन के पास अलग अलग प्रकार की हम ट्रीटमेंट लेते हैं, बाल स्ट्रेटनिंग करवाया, बाल को डिफरेंट कलर कराया, वो केमिकल्स भी उसको डैमेज करती है। तो दोस्तों दो तीन चीजें सिर्फ कर देने का, बैलेंस डाइट मैंने पहला कहा इस तरह, 5 बादाम, 1 अखरोट, 1 फ्रूट, 250-300 ml दूध या उसका बना हुआ दही, स्प्राउटेड मुकमट, 12-15 ग्लास लिक्विड। यदि हॉर्मोन्स की वजह से हो तो इसको करेक्ट करो, विटामिन की वजह से हो तो वो करेक्ट करो, और मोस्ट ऑफ केसेस में इससे रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेल में, पुरुषों में, मेल टाइप ऑफ बैलेंस शरीर के हॉर्मोन्स के लिए जा रहा है, और इसमें लगाने की दवा से जब तक लगा हो तब तक ही बाल रहेंगे। सबसे पहले सोना बाथ लेने से पहले आप स्विट्जरलैंड में सेट हो जाओ या फिनलैंड में, वहाँ जरूरत पड़ेगी क्योंकि माइनस ही टेम्परेचर होता है, हमें तो यहाँ हफ्ते चलते ही पसीना होता है। बहुत ज्यादा क्रेज है, एक तो टैटू जिसकी आपने यहाँ चर्चा की थी, दूसरा है डीओ का इस्तेमाल, 90% यंगस्टर डीओ का इस्तेमाल करते हैं और उसमें केमिकल होते हैं, तो उसका इस्तेमाल कितना सार्थक है। और मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारा जो कलर है वो त्वचा का कलर हो मेंटेन होता है मेलानिन से और एनवायरमेंट से, फिर भी बहुत सारी कंपनियों की क्रीम्स मार्केट में आती है, वो दावा करती है कि हमारा क्रीम इतने दिन इस्तेमाल करो इतने दिन में रंग बदल जाएगा, तो उसमें कितनी सच्चाई है। मैं आप सकते हैं सोशल वर्क करते हैं, इसकी हर साल हर 5 साल में कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, मिलते हैं, इथियोपिया में 10 साल पहले थी, तो अफ्रीका के बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर ने कंप्लेंट की थी कि साउथ इंडिया से मर्क्यूरी वाला सोप वहाँ एक्सपोर्ट होता है और क्लेम करते हैं इससे चमड़ी गोरी होती है। अफ्रीका में भी बहुत सारे लोग गोरा बनना चाहते हैं माइकल जैक्सन की तरह, और दे यूज इट। जो भी गोरापन की जाहिरात देते हैं वो आइदर टेम्पररी सुपरफिशियल लेयर को दूर करते हैं या परमानेंट मेलानोसाइट को डैमेज करते हैं। ये जो गोरापन की जाहिरात है वो मेरा फूड एंड ड्रग कंट्रोल बराबर नहीं करता है, इसकी वजह से होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, स्किन के लिए कॉम्बिनेशन स्टेरॉइड वाली दवा मिलती है, लगाओ तुरंत अच्छा लगेगा। हमारे बिजनेस में पैसे की आवश्यकता हुई, 5% पे पैसे लिए, वो दिन ही अच्छा लगे, इसी तरह स्टेरॉइड वाली के लिए। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कई दफ़ा प्रेजेंट किया है, लेकिन इंडिया में इसका मार्केट 3,000 करोड़ का है। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रयत्न करते हैं, शायद 2-3 साल में वो बान हो जाएगा, लेकिन मनी इज बिगेस्ट थिंग। नैतिकता पे राज नहीं चलता है, नैतिकता पे कुछ नहीं चलता है। तो ये फेयरनेस क्रीम, रुपया की क्रीम 25 रुपया में बेचने की है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा है, तो ये चलता है, ताकि ये सब चीटिंग बिजनेस है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, डीओ पसीना ज्यादा होने से डीओ होता है, पसीना ज्यादा होता है वो कंडीशन में डीओ का इस्तेमाल होता है। पसीना ज्यादा होना एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पसीना ज्यादा होने से रोक देने से शरीर को, पर्टिकुलरली एक्सीमा और वहां रोक देने से शरीर को कोई ज्यादा डैमेज नहीं होता है। लेकिन आजकल प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम बैठे और किसके बगल से स्मेल आए वो अच्छा नहीं लगेगा, शरीर में से स्मेल आए अच्छा नहीं लगेगा। यूएसए में तो आप इसे डाल के ही जाओ, ना डालो तो आपसे थोड़े दूर बैठेंगे सभी। तो उसकी वजह से डीओ का इस्तेमाल होता है। डीओ से आमतौर पे प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो तो साइड इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हो सके तो हफ्ते 10 दिन में एक दवा मत लगाना, उसकी ओपनिंग बराबर रहनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक निवेदन फिर करूंगा, डॉक्टर कुमार महेश साहब ने भी समझाया था
वही बात आज डॉक्टर साहब ने अपनी गर्मी में अप्रैल मई जून में हो सके जब तक दिन में लिक्विड का इंटेक बढ़ाए, इन लोगों के आधी प्रॉब्लम डॉक्टरों का लोड आधा हो जाएगा, उस बात का विशेष ध्यान रखें। अप्रैल मई जून में जो आज फिर से डॉक्टर साहब ने योग से इसको रिपीट कर दिया है, लिक्विड का इंटेक बढ़ाएं। हमारा नेक्स्ट योग के ऊपर रहेगा फर्स्ट मई पे और मेडिकल सेमिनार 3 जुलाई को रहेगा। फिर से नोट कर ले, स्ट्रेस मैनेजमेंट और के ऊपर डॉक्टर मुकुल चौकसी का रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर गिरीश साहब, थैंक यू वेरी मच।